Happy birthday to you. Nobody likes you. You look like an animal. Go back to the zoo. ये है potluck के लिए चटनी sandwiches. Carry two big flowers and then there is a food plating competition. इतना भारी तो नहीं है. Total work in progress. फिलहाल ये गाड़ी यहाँ तक बड़ी है. हम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. बहुत दिनों से ये रेगुलर वाला व्लॉग नहीं बनाया था तो सोचा आज बना दें. आज काविश के स्कूल का लास्ट डे है बिफोर दिवाली हॉलीडेज बिगिन एंड आज हमें करनी है बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल में, तो क्यों ना आपके साथ की जाए. सो ही हैज टू वेयर पार्टी क्लोथ्स टुडे एंड ये फिंगर पेंटिंग का कॉम्पिटिशन है विच इज कम्पल्सरी एंड देन ही हैज टू कैरी टू बिग फ्लावर्स एंड देन देयर इज अ फूड प्लेटिंग कॉम्पिटिशन कॉल्ड फन विद फूड एंड उसे पॉटलक स्नैक्स लेके जाने हैं फॉर 40 people. So let's begin. Finger painting के लिए हम ये लेके जाएंगे. Black is not allowed. तो मैंने black को अलग कर दिया है. तो ये हम लेके जाने वाले हैं. Action. मेरे बेबी आजकल मेरी हेल्प करता है ना. Rolling आपको बोलना है. अच्छा. Roll काविश. Action. तो अभी हम फूड प्लेटिंग के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं सब्जियां. लेट्स सी हम क्या बना पाते हैं. हाउ डू यू शूट एंड कट एट द सेम टाइम. फिलहाल ये गाड़ी यहाँ तक बड़ी है. हम सोच रहे हैं कि कोई फेस या कुछ बना दे. बहुत कंफ्यूजन है देखता है. तो हम बहुत कुछ ले आए हैं यहाँ पे बिकॉज समझ नहीं आ रहा है. तो इसके हम सोच रहे हैं कि हम बाल बना दें. If we can do that. This is how it's coming up so far. Ta-da! हमने ये सोचा हुआ है. So this is pasta, carrots, और ये है kidney beans और capsicum. Beetroot के lips बनाए and capsicum के ears और ये carrot का face. फेस की आउटलाइन के लिए हम कैरेट यूज करेंगे. इयर्स के लिए हम ये यूज करेंगे और ये नोज है. मैं आपको डब्बे में दूंगी और उसके बाद देन यू रिक्रिएटेड प्रैक्टिस इज राइट नाउ. एक बार प्रैक्टिस करना. ये डाल दिया गया सब कुछ इसके अंदर. अब काविश बना के प्रैक्टिस करेगा. राइट काविश, कम ऑन क्विकली स्वीटहार्ट. स्टार्ट विद आईज. वेरी गुड. उसके बाद क्या इजी होगा? नोज बनाना इजी होगा. फिर लिप्स, उसके बाद फेस का आउटलाइन. बेबी एक्सीलेंट जॉब. एक्सेलेंट बनाया आपने. नाउ पुट एवरीथिंग इन अ डब्बा एंड लेट्स पैक इट. काविश मेहरा ये आप लेके जाना, ठीक है? इसी के ऊपर एंड ऐसे भी कर दो. फूड प्लेटिंग इज डन नाउ. अभी टू बिग फ्लावर्स रख लेते हैं. से हम लेंगे टू बिग फ्लावर्स. वी हैव वन लिली एंड वी आर टेकिंग टू लिलीज. राइट. वाओ बिग बिग. हियर आर द टू फ्लावर्स. इनको मैं भेज रही हूँ डब्बे में, नहीं तो खराब हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द स्टफ इज ओवर. अब हमें बनाना है पॉटलक स्नैक. तो हमने ये डिसाइड किया बिकॉज इट वॉज एन एंड मोमेंट एडिशन. तो हमने डिसाइड किया कि हम चटनी सैंडविचेस बनाने वाले हैं. लेट्स गो. मम्मी चटनी बना रही है और मेरी चटनी जो बन रही है वो अलग है. काविश का अलग चालू नाटक चंदा के साथ. हाँ काविश, आई नीड योर हेल्प. थैंक यू स्वीटी पाई. वो ले लो, ब्रेड ले लो. जल्दी से ब्रेड के पैकेट उठा के वहाँ लेके चलो. यहाँ पे स्वीटी, यहाँ पे. ओके कम इधर आओ. इतना भारी तो नहीं है. थैंक यू. बेस्ट चीज है अगर बच्चे आपको ऐसा वाला काम नहीं करने दे रहे ना, तो बेस्ट चीज है उनको इन्वॉल्व कर दो. बिकॉज व्हेन यू इन्वॉल्व देम एंड यू डेलीगेट दीज टास्क, दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, दे फील इम्पोर्टेंट. वरना क्या होगा, हम ये काम कर रहे होंगे, हमारे पीछे आके हमें तंग करेंगे और हम और इरिटेट होंगे. लुक एट मी, आई एम सच अ हरी. ब्रेड्स के साइज काट रहे हैं और उसके बाद हम लगाएंगे ब्रेड में. बताओ इतने टाइम बाद हम ऐसा कुछ कर रहे हैं. व्हाइट ब्रेड और उसमें ये लगाना. मुझे बचपन वाले सैंडविचेस याद आ गए. आजकल तो ये सब इतना मल्टीग्रेन और दुनिया की चीजें कर रहे हैं. काविश मेहरा इज टोटल वर्क इन प्रोग्रेस. थोड़ा सा ही बचा है अभी. गुड जॉब काविश. काविश ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट इट इज नानी एंड मम्मा हेल्पिंग काविश, राइट? एंड नॉट काविश हेल्पिंग मम्मा एंड नानी. दिस इज फॉर काविश, राइट? राइट. अब लगाया जा रहा है बटर एंड ब्रेड्स में. चटनी, स्टेज एंड सैंडविच. लेट्स टेस्ट इट. यम्मी. जंदा को चटनी डांस. यहाँ पे क्या हो रहा है?
सो द मास्टर हैज स्टेप्ड इन एंड अभी मम्मी कर रही है अपनी कटिंग. टू पीस करो ना, इजी होगा ना बच्चों को खाने के लिए बाइट साइज. मेरे ख्याल से तो फोर भी कर सकते हैं ताकि इजी हो लेने के लिए और खाने के लिए. यहाँ पर मैंने डाल दिया है बटर पेपर एंड आई विल जॉइन दिस एंड दिस. सो वी आर क्रिएट डिफरेंट लेयर्स. सो अब एक लेयर हो चुका है, इसके ऊपर हम डालेंगे. राइट, तो मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है. अलग अलग लेयर्स में बनाकर हमने सैंडविच बना दिया है. सारी चीजें काविश की यहाँ रेडी हो रही है. नाउ लेबलिंग. मिशन अकम्प्लिश्ड. अभी मुझे काविश को जल्दी से रेडी करना है. सब कुछ रेडी है यहाँ पर बिल्कुल. पहले मैं खुद रेडी हो जाती हूँ आई थिंक, फिर काविश को रेडी करूंगी. तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ अपने फटे हॉल में एंड मम्मी काविश को रेडी कर रही है. तब तक ऑफ कोर्स माय प्रोटीन शेक. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोटीन शेक की एक्चुअली प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं इंस्टाग्राम पर, तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी हाउ आई एम लूजिंग वेट, व्हाट आई एम ईटिंग एंड व्हाट आई एम वर्किंग आउट ऑन. ऑलराइट, इट्स माय शेक फॉर मी. चीयर्स. A moment for myself. Avish, main already ho chuka hai for the party at school. Na mamma, mano ka birthday tha kal mera dost ka. Aur Dishan bola mano ko bus mein happy birthday to you. Nobody likes you. You look like an animal. Go back to the room. Bad word. This was funny, right? Maybe it was just supposed to be for fun. Na Avish ko hi bol diya. Wo masti karne ke liye. बहुत ही ध्यान से सुनो, ये है पॉटलक के लिए चटनी सैंडविचेस. ओके, ये आपका लास्ट टू पीरियड में होगा. ओके, ये है सुनो आपका एम्प्टी टिफिन, क्योंकि पॉटलक में दूसरे भी बच्चे होंगे. राइट, टीचर ने बोला एम्प्टी टिफिन या पेपर प्लेट्स कैरी करना. सो इफ यू वांट टू गेट सम स्टफ यू कैन ब्रिंग इट इन दिस. दिस करेक्ट, टू फ्लावर्स. ओके, और सब लेबल्ड है फूड प्लेटिंग के लिए. इसमें सब चीजें हैं याद रखना. इसमें दो है लिप्स, ठीक है, जस्ट इन केस यू लूज इट. ये है आपके फिंगर पेंटिंग, और ये क्या है जिसके ऊपर आपको फूड प्लेटिंग अपनी करनी है, फन विद फूड. ठीक है, नथिंग एल्स यू हैव टू कैरी टुडे. चल, पेट भर गया अपना खा पी. वेरी गुड, बाय. फाइनली काविश को स्कूल छोड़ दिया था मैंने. बच्चों को स्कूल जाने तक हमारी एक अलग लाइफ चल रही होती है, और उसके बाद हमारा एक्चुअल काम, हमारा प्रोफेशनल वर्क या घर का काम जो भी होता है वो तब शुरू होता है. तो मैं जा रही हूँ अपना काम करने. आई हैड कम टू द सैलून फॉर अ क्विक हेयर वॉश. नाउ आई एम गोइंग होम टू शूट 3 कंटेंट पीसेस. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. आई एम सेंडिंग यू गाइस टन्स ऑफ लव. डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड द लव.